दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 6 अगस्त 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है कि नगर निकायों में प्रतिनियुक्त पर भर्ती होंगे SNA, EO और JE। नगर निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए इन रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्त पर भर्ती की तैयारी है। इनमें सहायक नगर आयुक्त श्रेणी 1, 2 व 3 के अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता सिविल व जल के पद शामिल हैं। जल्द ही नियुक्ति पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल 175 पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति होगी। नगर निगमों के अलावा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में बड़ी संख्या में ऐसे पद खाली हैं जिन पर भर्ती लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होनी है। क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया लंबी होने से इन पदों पर नियुक्त होने में समय लगेगा। वहीं अगले साल के शुरुआत में लोकसभा का चुनाव भी होना है, ऐसे में आयोग के स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया अधिक लंबी खींच सकती है। इसके मद्देनज़र फिलहाल प्रतिनियुक्त के आधार पर पदों को भर्ती करने की तैयारी है। तो कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं, इसमें देखिए बताया गया सहायक नगर आयुक्त के 7 पद हैं, अधिशासी अधिकारी श्रेणी प्रथम के 19 पद हैं, श्रेणी द्वितीय के 39 पद हैं, श्रेणी तृतीय के 33 पद हैं और नगर पंचायतों में 61 पद हैं, अवर अभियंता के 16 पद हैं। इन 175 पदों पर प्रतिनियुक्त के आधार पर फिलहाल भर्ती करने की तैयारी। आने वाले टाइम पर ये भर्तियाँ आपको लोक सेवा आयोग के माध्यम से या फिर UP SSC के माध्यम से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि बिना प्रवेश के ही खाली रहेंगी ITI की 1.25 लाख सीटें। प्रदेश में राजकीय व निजी ITI में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने पहले चरण का सीट अलॉटमेंट जारी किया है। हालत ये है कि बिना प्रवेश के ITI की 1.25 लाख सीटें खाली रहेंगी, क्योंकि प्रदेश भर में सरकारी व निजी ITI में लगभग 5,33,000 सीटें हैं, जबकि प्रवेश आवेदन मात्र 4,14,000 ही हुए हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक खाली सीटों की संख्या जो है और बढ़ सकती है। आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में 304 राजकीय कॉलेज हैं ITI और 2,932 पॉलिटेक्निक ITI जो प्राइवेट हैं। तो सरकारी सीटें तो भर जाती है लेकिन प्राइवेट में इस बार बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी। 1 लाख से ज़्यादा सीटें खाली जाने का अनुमान है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि 20 अगस्त तक अपडेट कर सकेंगे संस्थान व ब्रांच। प्रदेश में राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा चल रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सचिव SK श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय प्रवेश के संस्थान व ब्रांच के विकल्प को 20 अगस्त तक अपडेट कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक को भी लेकर के अपडेट है कि आप लोग एडमिट कार्ड के समय जो चीज़ें हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द करके री एग्जाम कराने को लेकर के यहाँ पर देखिए एक पोस्टर जारी किया गया शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। इनका कहना है कि इस भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, माननीय कोर्ट की शरण में भर्ती है और ये इस भर्ती में कितना विलम्ब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे बेहतर है कि इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम करवाया जाए। इसके लिए देखिए महा ट्विटर अभियान का आंदोलन मतलब आगाज किया गया है जो कि होगा 10 अगस्त को प्रातः 11 बजे। तो जो भी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं जो री एग्जाम चाहते हैं वो लोग 10 अगस्त को प्रातः 11 बजे आपको ट्विटर आंदोलन से जुड़ना है। बात कर लेते हैं UP SSC को लेकर के। तो UP SSC की तरफ से कल 2 महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई है। पहली नोटिस है JE भर्ती 2018 को लेकर के। देखिए बताया गया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अभियंता संगणक व फोरमैन के 1388 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम शनिवार को जारी कर दिया है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के अनुसार निर्धारित पदों के सापेक्ष 1.25 गुना अभ्यर्थियों को DV के लिए चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि अभिलेख परीक्षण की तारीख अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहली नोटिस आपके सामने ये है। दूसरी नोटिस यहाँ पर देखिए है मंडी परिषद को लेकर के। मंडी परिषद के लिए भी जो अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम है वो बताया गया है कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसमें जो आप लोगों का अभिलेख सत्यापन है मंडी परिषद का
वो 17 से 19 अगस्त के बीच करवाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सारी चीज देख लें और उसके अनुसार अपना आगे की प्रक्रिया में शामिल हों। लोक सेवा आयोग की तरफ से PCSJ इंटरव्यू को लेकर की अपडेट आ गई है कि PCSJ का इंटरव्यू 16 से 28 अगस्त तक होंगे इंटरव्यू, सितंबर के मध्य तक चयन परिणाम आने की उम्मीद है। लोक सेवा आयोग ने PCSJ भर्ती परीक्षा 2023 के लिए इंटरव्यू की तारीख जो है जारी कर दी है। 16 से 28 अगस्त के बीच इंटरव्यू करवाए जाएंगे, सितंबर में इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ऐसा हुआ अगर तो विज्ञापन से लेकर के अंतिम चयन परिणाम जारी होने तक की प्रक्रिया मात्र 9 महीने में पूरी कर दी जाएगी। तो फिलहाल उम्मीद यही है कि 9 महीने भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब देखना यह है किस तरीके से आगे भर्ती प्रक्रिया कितना समय लगता है। फिलहाल आपको बता दें 303 पदों पर भर्ती विज्ञापन पिछले साल 10 दिसंबर को जारी किया गया था। यहाँ पर देखो अपडेट SSC स्टेनोग्राफर को लेकर, स्टेनोग्राफर के 1207 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इस समय आ गए हैं। बताया गया कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर 2023 भर्ती के लिए 1207 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। 23 अगस्त तक SSC की वेबसाइट पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा के जरिए 12 विभागों में स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के 93 पदों पर भर्ती होगी। इस पद के लिए आवेदन करने वालों की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 37 विभाग ऐसे हैं जहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के 1114 पदों पर भर्तियाँ होंगी, ठीक है। इसके लिए 18 से 27 वर्ष की एज निर्धारित की गई है। जो भी अभ्यर्थी हैं SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट की कर्मचारियों की कमी, चपरासी चलाएंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर के जानकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी डाटा एंट्री में मदद करेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने सभी BSA को निर्देश दे दिया है। कंप्यूटर जानने वाले मृतक आश्रित कर्मियों से NPS GPF पोर्टल पर फीडिंग किए जाने के काम लिए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद की ओर से सूबे के सभी BSA को जारी पत्र के अनुसार वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालयों में स्टाफ की कमी के कारण NPS GPF तथा मानव संपदा पोर्टल फीडिंग एवं अन्य शासकीय कार्यों के संपादन में अत्यधिक कठिनाइयाँ हो रही हैं। ऐसे में मानव संसाधन न होने के कारण कार्यों में संपादन के लिए विलंब हो रहा है। ऐसे में चपरासियों की मदद ली जाएगी। प्रसिद्धि विद्यालय म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के अपडेट आई है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 25 तक है। बेसिक शिक्षा विभाग में जिले के अंदर शिक्षकों के पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 25 अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपना डाटा अपडेट करने के लिए BSA को प्रत्यावेदन देंगे और BSA इसे अपडेट कर शिक्षकों के प्रत्यावेदन को 10 अगस्त तक स्वीकृत या निरस्त करेंगे। तो 25 अगस्त तक यहाँ पर जो है जिले के अंदर पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया होगी। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।